खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए बयान पर सफाई दी। कहा कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस धर्म या किसी आराध्य से नहीं है। कुछ लोग तीव्र गति से दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर मानस की चौपाइयों को संशोधित करने या प्रतिबंध लगाने की मांग की। बता दें सोनभद्र ज्यादा समय नारायणपुर के पास मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस धर्म या किसी आराध्य से नहीं है। रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के बीच नीच अधम व प्रताड़ित करने की बात कही गई है, जो आपत्तिजनक है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी को संशोधित किया जाए या प्रतिबंध किया जाए, जिससे कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सम्मान की रक्षा हो सके। कुछ लोग तीव्र गति से इसे कहीं न कहीं दूसरी दिशा में दे रहे हैं। धर्म के नाम पर गाली देना, अपमानित करना या धर्म का हिस्सा नहीं है। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट। देखिए, मैं बहुत पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस धर्म या किसी आराध्य से नहीं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच अधम प्रताड़ित अपमानित करने की बात की गई है, जो आपत्तिजनक है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी को संशोधित किया जाए या प्रबंधित किया जाए, जिससे कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की रक्षा हो सके। इतनी सी बात है, लेकिन कुछ लोग तिल का तार बना करके कहीं ना कहीं इसको दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद केवल महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान को सुनिश्चित कराना है। धर्म के नाम पर गाली देना, धर्म के नाम पर अपमानित करना, ये धर्म का हिस्सा नहीं। धन्यवाद।